जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, पितृपक्ष चल रहा है, इनको कनागतें भी बोलती हैं। इसमें ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। ब्राह्मण भोजन करने से पितृ संतुष्ट होती हैं। लेकिन क्या ब्राह्मणों को भी भोजन हर जगह करना चाहिए या किन की जगह नहीं करना चाहिए, किन की नहीं करना चाहिए? तो ब्राह्मणों के लिए विशेष भोजन करना वैसे तो प्रत्येक ब्राह्मण को चाहिए, लेकिन अगर कोई अपात्र है या कुपात्र है उसके घर में भोजन नहीं करना चाहिए। किन किन लोगों के घर में ब्राह्मण को भोजन नहीं करना चाहिए, तो हमने संतों से सुना है, वही आपको बता रहे हैं। जिन घरों में कुत्ता पला हुआ है, जिन घरों में मदरापान एवं मांस भक्षण होता रहा है, एवं जो जिन घरों में कुलीन व्यक्ति नहीं हैं या जिन घरों में व्यभिचार हो रहा है, जिन घरों में जो मनुष्य चोरी करती हैं दूसरे का धन हड़पते हैं, ऐसे घरों में ब्राह्मणों को भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही लोगों के घर में भोजन करके पाप ग्रहण करना है, जो कि ब्राह्मण को शारीरिक कष्ट या बीमारी के रूप में भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण का तप नष्ट हो जाता है अगर आप अधर्मियों के घर में भोजन करेंगे तो। और भोजन एक ही व्यक्ति के घर करें तो ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ है, एक से अधिक लोगों के घर में भोजन ना करें। और जो ब्राह्मण दस दस भोजन कर रहे हैं पितृपक्ष में, वह ब्राह्मणों के लिए सही नहीं है। 150 रुपये दक्षिणा के चक्कर में वही आलू की पूड़ी और सब्जी खा खा के आप उसके संग में पाप भी ग्रहण करते हैं, उस मनुष्य का पाप भी ग्रहण करते हैं। क्योंकि अन्न वहीं खाए जहाँ शुद्धता हो, जहाँ पर राम नाम संकीर्तन हो। पापियों के घर का अन्न खा के, अधर्मियों के घर का अन्न खा के अपनी तपस्या नष्ट नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण का भोजन करना अति आवश्यक है, लेकिन पात्र और कुपात्र का ध्यान भी रखना भी अति आवश्यक है। मनुष्य के घर में दारू मांस मदरा मुर्गा आदि कटते रहते हैं, उनके घरों के पितृ संतुष्ट तो होंगे नहीं, तुम क्यों अपने तप को वहाँ पर जाकर नष्ट करती हो? जिन घरों में मांस भक्षण हो रहा है, जिनकी रसोइयों में मांस भक्षण हो रहा है, जो नित्य दिन शराब पीने वाले हैं, इनके घर में भोजन करने से बचें। क्योंकि यह मनुष्य होते हैं, विभवचारी होते हैं, तुम्हारे भोजन करने से उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम्हारे भोजन करने से उन्हें स्वर्ग लोग नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे लोगों का भोजन करके आप जरूर नरक में जाएंगे। क्योंकि पाप बड़ा बलवान होता है, जैसा खाओ अन्न वैसा मन बनता है। किसी को बुरा लगे तो क्षमा करें, लेकिन भैया भोजन की शुद्धता, मन की शुद्धता, खाने पीने का बहुत बड़ा रोल होता है। तामसिक भोजन, तामसिक आहार, मनुष्य की नियत एवं चरित्र सब कुछ बिगाड़ देता है। मदरापान करने वाला व्यक्ति, मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति, चाहे स्वयं ब्राह्मण परिवार में ही क्यों ना जन्मा हो, लेकिन ऐसे लोगों के घर में भी भोजन करना बिल्कुल मना है। और भले ही किसी कोई गरीब हो, कुटिया में रह रहा है, भले ही उसके घर में 10-5 रुपये दक्षिणा मिले, चाहे भले ही एक पूड़ी सब्जी मिले, लेकिन भगवान का भक्त है, भगवान का अनन्य भक्त है, ऐसे घर में भोजन करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। क्योंकि भैया भक्त कभी निर्धन नहीं होता। ऊपरी माया में आप उसको देखते हो, कुटिया बनी है, अच्छा महल बना है, वो एक अलग है, लेकिन भगवान का जो भक्त होता है हृदय से बड़ा धनवान होता है। यह तो ऊपरी माया है, आती जाती माया है। यह माया न किसी पर टिकी है न टिकेगी, लेकिन प्रभु का जो भजन है, भजन चिंतन करने वाले जो जनमानस है, इनसे जरूर पृथ्वी टिकी हुई है, संतुलन मनुष्य बना रहता है। पापी अधर्मी सब तरह के मनुष्य हैं, कुटिल कपटी सब तरह के मनुष्य हैं इस दुनिया में, लेकिन संभाव से हम देखते हैं, लेकिन आचार विचार भी करना चाहिए, किस जगह भोजन करना चाहिए, किस जगह नहीं करना चाहिए। आजकल सबके भोजन करना गलत ही है, जब ही तो लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण भोजन के भूखे हैं, पितृ पक्ष आ गया है, अब तो ब्राह्मणों के चंगे हो गए, अब पूड़ी सब्जी खा खा के ब्राह्मणों के मुंह में छाले हो जाते हैं, इसको कोई नहीं देखता है। पर ब्राह्मण बीका सेल के कैप्सूल खा खा के
अपने छाले मुंह की सही करती हैं, तो छाले के चक्कर में ना पड़ें, ईमानदारी से एक भोजन करें, देख लें कि आपका यजमान कौन सा सही है, कहाँ से आपको भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति का निमंत्रण करता है तो खाएं, नहीं करें तो अपने घर की दाल रोटी खाएं, क्योंकि दाल रोटी सबसे श्रेष्ठ है। चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, मदरापान करने वाले व्यभिचारी मनुष्य बिना कुलीन नहीं हो, ऐसे घर के लोगों के घर में भोजन करने से बचें हमेशा के लिए। ये ध्यान रखें, ये प्रतिपक्ष में ही नहीं, यह नियम हमेशा ही लागू है। जय श्री राम, जय श्री राधे।